prove that work done by magnetic force on a charged particle is zero. मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो कैसे मूव करेगा, इन सर्कल. तो सर्कल में मूव करेगा, जब वो सर्कल में मूव करेगा तो प्रूफ करो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका अमाउंट ऑफ वर्क डन इस पार्टिकल पे जीरो रहेगा. वैसे तो जिनको सर्कुलर मोशन याद है उनको एक रिजल्ट भी याद होगा कि कोई पार्टिकल जब सर्कल में घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कभी काम नहीं करती, उसका वर्क डन हमेशा क्या रहता है, जीरो. अगर नहीं याद तो यहां से कर लेते हैं. इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स क्या एक्ट कर रही है, लाइक सेंट्रीपिटल. और सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो तो हमेशा क्या काम करती है, जीरो ही वर्क डन करती है. प्रूव कैसे होगा, प्रूव ऐसे होगा जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा, क्यू इंटू वी क्रॉस वी, इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. क्लियर है? अब मुझे पता है कि फोर्स और वेलोसिटी हमेशा कितने एंगल पर होते हैं, 90. जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हर वक्त एंगल क्या बनेगा, 90. तो अगर फोर्स और वेलोसिटी में एंगल 90 है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो. क्योंकि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आंसर आता है, जीरो. और मुझे ये भी पता है कि अगर ये फोर्स एफ एम है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है. तो ऑब्वियसली अगर फोर्स और वेलोसिटी का वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा. क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आपका एंगल क्या बनेगा, 90. और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 है तो बोलो वर्क डन क्या होगा, जीरो. तो इसलिए बोला जाएगा कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है क्योंकि वो सेंट्रीपिटल है और वेलोसिटी के साथ उसने एंगल क्या बनाया, 90, तो वो वर्क डन क्या काउंट होगा उसका, जीरो. तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक. दूसरा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बता दिया एक्सपीरियंस इज अ मैग्नेटिक फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एफ एम और वी में एंगल 90. दिस फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि ये फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल. तो सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी की हमेशा क्या चीज चेंज करती है, डायरेक्शन. इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की स्पीड की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करती. ये रिजल्ट आपने याद रखना.